में किस तरह दिक्कतें आ रही होंगी? कुछ तो अंतर आएगा ऑफलाइन पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ाई में, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई जो होती है तो लड़कों को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं लोग, टीचर लोग पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन में तो निश्चित रूप से एक कैमरे पर पढ़ाई होती है, मोबाइल पर पढ़ाई होती है या लैपटॉप पर पढ़ाई होती है। हाँ। तो इसलिए वो तारतम्य नहीं बन पाता है उतना, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। अगर ना पढ़ाएं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाना तो है, शिक्षकों का काम है पढ़ाना और छात्रों का काम है पढ़ना, तो हर हालत में पढ़ाई हो। लेकिन जहाँ तक दिक्कतों की का प्रश्न है तो उसमें वो कुछ तो विद्यार्थियों को जहाँ तक कोई दिक्कत होती है तो शिक्षकों से पूछ लेना चाहिए, जैसे कहीं कुछ समझ में ना आए तो शिक्षकों से पूछ लें, शिक्षक से पूछ लें कि अमुक जगह पे हमें समझ में नहीं आया। और जहाँ तक स्मार्टफोन की उपलब्धता की बात हो तो ये तो प्रायः सभी को उपलब्ध है, अब कहीं कहीं समस्या हो सकती है जीबी ना हो, लेकिन उसकी भी व्यवस्था लड़के कर ही लेते हैं। कोरोना से बचना भी कोरोना से बचना जरूरी है, अगर जान ही नहीं रहे तो फिर पढ़ाई क्या होगी।